रायपुर से ही खबर है। राज्योत्सव के लिए आज दर्शकों को भी एक फ्री बस सेवा की सौगात सरकार देने जा रही है। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक हर घंटे 4 जगहों से ये बसें जाएंगी। जिला प्रशासन ने इस बस सेवा को फ्री रखा है यात्रियों के लिए। अब हम आपको जगह बता देते हैं। रेलवे स्टेशन कालीबाड़ी चौक, पचपेड़ी नाका, भाटागांव नए बस स्टैंड से संचालित होंगी ये बसें। रात 10 बजे तूता राज्योत्सव ग्राउंड से रवाना होगी आखिरी बस, यानी कि जो लोग इस कार्यक्रम को देखने आज जाना चाह रहे हैं तो वो इन जगहों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कालीबाड़ी चौक, पचपेड़ी नाका, भाटागांव नए बस स्टैंड से बस पकड़ सकते हैं और रात 10 बजे तूता राज्योत्सव ग्राउंड से ये आखिरी बस रवाना होगी। और चलिए एक बार फिर से रायपुर का रुख करते हैं। करिश्मा लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है, तो करिश्मा आज लोगों के लिए भी एक सुविधा जिला प्रशासन ने दी है फ्री में बसें संचालित करके। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो राज्योत्सव हो रहा है जिसकी चर्चा हम आपसे लगातार कर रहे हैं, अगर इसकी बात की जाए तो हर साल जो है ये देखा गया कि पूर्ववर्ती सरकार में जो है राजधानी रायपुर के हार्ट ऑफ द सेंटर जिसे हम कहते हैं साइंस कॉलेज मैदान में होता था, भव्य आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि भाजपा की सरकार है और ये जो आयोजन है अटल नगर नवा रायपुर में जो है किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता को वहां पहुंचने में, राज्योत्सव में शामिल होने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी से कोसों दूर जो है राजस्व का स्थल है। इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा आवागमन में परेशानी होगी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी भी सुविधा जो है अब जनता को दे दी है। राजधानी रायपुर से 3 दिनों तक जो है निःशुल्क बस सेवाएं मिलने वाली है और ये जो बसें हैं आपको बता दें कि राजधानी के कई कॉर्नर से निकलेंगी, जिसकी वजह से विभिन्न जगहों से पहुंचने वाले लोगों को दूर कहीं बस का इंतजाम लेने के लिए पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग जो है अपने घर के आसपास के जो भी चेक पॉइंट्स है वहां पर पहुंचकर जो है निशुल्क बस सुविधा का आनंद ले सकते हैं, जिसमें आपको बता दें कि कालीबाड़ी एक चेक पॉइंट बनाया गया है, वहीं पचपेड़ी नाका एक चेक पॉइंट बनाया गया है, भाटागांव बनाया गया है और उसके साथ रेलवे स्टेशन मार्ग जो है वहां पर एक चेक पॉइंट बनाया गया है। तो ये तमाम ऐसे चेक पॉइंट है जहां पर निःशुल्क बस सेवाएं जो है वो मिलेंगी और हर बस के ऊपर लिखा भी रहेगा कि ये निःशुल्क सेवा है और ये जो है राजोत्सव स्थल तक जाने वाली आखिरी बस जो है आपको बता दें, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है इसमें शामिल होने वाले हैं, भीड़ काफी होगी लोगों की, तो आखिरी बस जो है तूता राजस्व स्थल से देखा जाएगा कि रात के 10 बजे। बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फ्री बसें संचालित करने का फैसला लिया गया है। बने रहिए करिश्मा हमारे साथ।